बिहार में नीतीश कुमार के राजद, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों से गठबंधन कर सरकार बनाने के बाद से भाजपा लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर है। हाल ही कुछ घटनाओं के बाद भाजपा की ओर से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राज्य में जंगल राज की वापसी हो गई है। इन सबके बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद शैलेश कुमार बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा बुलाई गई एक आधिकारिक बैठक में शामिल हुए। तेज प्रताप यादव वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का विभाग संभाल रहे हैं। बैठक में राजद की राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पति की मौजूदगी की तस्वीरें सामने आने के बाद भाजपा ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। राज्य में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें शैलेश कुमार शामिल हुए थे। बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए बिहार बीजेपी प्रवक्ता और पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने तंज कसते हुए कहा, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को हल्के में न ले, हमारे भाई शैलेश भी उनके साथ बैठे हैं। मुझे यकीन है कि शैलेश जी राजद के सभी मंत्रियों से अधिक चतुर और प्रतिभाशाली हैं। शैलेश जी का आशीर्वाद मिलने पर तेज प्रताप यादव सर्वश्रेष्ठ मंत्री साबित होंगे। चूंकि शैलेश कुमार के पास कोई आधिकारिक पद नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वह एक मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में क्यों शामिल हुए। बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही कई विवादों से घिर गई है। बिहार के विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर खासकर खूब सवाल उठे। उनके खिलाफ 14 जुलाई को अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जबकि वह मंत्री बना दिए गए। वहीं हाल के दिनों में बिहार में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं को लेकर भी नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं मुख्यमंत्री कुमार ने जंगल राज लौटने के भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए इससे पहले कहा था कि सिंह पर लग रहे आरोपों को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, जिसको जो मन में आता है बोलने दीजिए, जब जरूरत होगी तो सारी बात बोलेंगे। प्रचार प्रसार में लोग बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।